भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सबको है अपनी बात को रखने का, अपना विरोध प्रदर्शन करने का सबको हक है। लेकिन वही बिहार है, बिहार में तो आप अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, कोई धरना भी नहीं दे सकते हैं। वार्ड सचिव पिछले 15-20 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हुए थे और उन्होंने रोड पर आकर अपनी मांगों को लेकर रोड पर आए और सरकार से मांग किया, लेकिन बदले में क्या मिला? लाठी चार्ज, पूरी पानी की बौछारें और बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो अब स्थिति ये है कि आप तो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, सरकार से अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आप करिएगा तो आप लाठी खाइएगा। तो ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा जुल्म किया जा रहा है, पुलिसिया लाठी के द्वारा जुल्म किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि वार्ड सचिव जो अपनी मांग को लेकर रोड पर हैं वो जायज है। किसी से आप कई साल काम करवा के उनको छोड़ दीजिएगा, उनकी बहाली होनी चाहिए, स्थायी बहाली होनी चाहिए। हम और हमारी पार्टी वार्ड सचिव के साथ है। जैसे ही ये खबर जाने, आदरणीय पप्पू यादव जी खुद पटना आए और सभी वार्ड सचिवों से मिले जो बहुत सारे घायल हो चुके थे, कहीं ठिठुरते ठंड में वो आश्रय लिए हुए थे, उन सभी के बीच कम्बल भी वितरण किए। और हम लोग वार्ड सचिव के साथ है, उनके लड़ाई के साथ है, उनकी मांगों को लेकर है। उनकी मांगों को लेकर हम लोगों ने एनएच भी कल जाम किया था, राज्यव्यापी एनएच जाम था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने हक को लेकर हम सरकार तक आवाज भी नहीं अपना पहुंचा सकते हैं। आवाज पहुंचाने का सिला ये है कि आप लाठी खाइएगा। तो ये कैसा है राज? बीजेपी और जेडीयू का सरकार है, वार्ड सचिव ने थोड़ी है जो किसी के दफ्तर में आग लगा दिया था, वो तो रोड पर आके अपना हक मांग रहे थे, हक उनका जायज था। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लोग वार्ड सचिव के साथ हैं।